प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शराब पीकर घर में हर रोज विवाद करने वाले बेटे को पिता ने मौत के घाट उतार दिया। यह पूरा मामला डोंबिवली का है। 65 साल के अभिमन्यु पाटिल अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। इनका बड़ा बेटा जो है वो गांव में रहता था और छोटा बेटा जिसका नाम हरीश है वो इनके साथ रहता था और हर रोज़ वो शराब पीकर घर में आता था और माता पिता से विवाद करता था। माता पिता रोज़ रोज़ के विवाद से तंग आ गए और हरीश की पिटाई के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। मगर पुलिस के सामने हरीश के पिता अभिमन्यु ने बताया कि हरीश की मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई है, लेकिन विष्णुनगर पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि पिता का सब्र का बांध टूट गया था और इन्होंने डंडे से पिटाई कर हरीश को मौत के घाट उतार दिया। विष्णुनगर पुलिस स्टेशन के एरिया में गरीबाचा पाड़ा के एरिया में हरीश पाटिल करके 30 वर्ष के उम्र के लड़के का, उसके पिताजी अभिमन्यु पाटिल उन्होंने मर्डर किया है। माँ को दारू पी के झगड़ना, मारहाण करना, पिताजी को झगड़ते रहना, पैसे मांगते रहना, इसके वजह से उसके पिताजी ने सर पे पत्थर मार के और उसका नायलॉन से गला पैक करके उसका खून किया है। गुने का तपास PI गमे सीनियर PI पवार उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं।